नमस्कार, भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं दादरा एवं नगर हवेली सिलवासा में हूँ और आपको बता दूं कि तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ पर बहुत ही फेमस मंदिर है और यहाँ पर एक पंकज नाम के व्यक्ति हैं जो मोबाइल का दुकान चलाते हैं, उनसे धोखाधड़ी हो गया है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सालों से चला रहा था कि जो मतलब जो क्राइमर है, जो साइबर क्राइमर है, वो लोगों को फ़ोन करते थे, एटीएम कार्ड का नंबर मांगते थे या क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगते थे, लेकिन अब ये हो गया है कि ऑनलाइन लिंक भेजते हैं। ऑनलाइन लिंक भेजकर पंकज नाम के व्यक्ति से हो गया 7,000 रुपये का धोखाधड़ी, 7,000 रुपये इनके अकाउंट से उड़ा दिया। एक वाक्य में आपको दिल्ली का बताता हूँ कि दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर जो अतुल हैं, उनका भी 28,000 रुपया किसी साइबर क्राइमर ने उड़ा लिया था। ऐसा जब एक वाक्य हुआ था कि वो अपने ऑफिस में बैठे थे और उनके क्रेडिट कार्ड से 2 बार मैसेज आया और उनका 28,000 रुपये कट गया। आप समझ सकते हैं कि जब पुलिस जो आला ऑफिसर है पुलिस कमिश्नर के, जब पुलिस प्रशासन के, उनको जब नहीं छोड़ा जा रहा है साइबर क्राइमर के द्वारा, तो छोटे छोटे व्यक्ति कैसे बचेंगे। एक बड़ी बात है कि जो मोबाइल दुकान चलाते हैं वो छोटे छोटे पैसों को जमा कर अपने घर के लिए जमा करते होंगे, लेकिन ऐसे में एक लिंक भेजते हैं क्राइमर और उनके अकाउंट से 7,000 रुपया उड़ा दिया जाता है। उनको फ़ोन किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपका मोबाइल अपडेट हो जाएगा। ऐसे में एक बड़ी बात होती है कि लोग क्या करें, लोग मतलब जो उनका जो दुकान में बहुत ज़्यादा ग्राहक होते हैं वो बिजी होते हैं, 3 बार 4 बार फ़ोन आता है कि आप फ़ोन उठाइए, लेकिन वो जब नहीं फ़ोन उठाते हैं। कौन से तारीख की बात है और क्या हुआ था आपके साथ, जरा उसके बारे में बताएं। 26 तारीख था, अभी 5 दिन हुआ है। 26 तारीख को सुबह में दुकान आया, जैसा कस्टमर था वैसे कस्टमर आए सुबह, धंधे में व्यस्त था और फ़ोन पे से एक कस्टमर केयर का फ़ोन आया, 2-3 बार फ़ोन आया, 4th दफ़े में मैंने फ़ोन उठाया उसका, तो वो बोलता है कि फ़ोन पे अपडेट करो, आपका अपडेट नहीं हो रहा है। तो मैं कस्टमर में व्यस्त था तो फ़ोन काट दिया 2-3 बार, 4th बार में फ़ोन उठाया, तो 4th बार में फ़ोन उठाते ही बोला हो गया आपका जो ये लिंक है फ़ोनपे का, वो फ़ोनपे का लिंक आप अपडेट करो। तो मैंने उसको अपडेट किया, अपडेट करके मैं कस्टमर में लग गया। कस्टमर में लगने के बाद में 10-15 मिनट बाद में ऐसा मैसेज आया कि 2,000 एक कटा, 5,000 एक कटा। उसके बाद में जो अकाउंट में 7,000 था वो सब कट गया और उसके बाद में 9,000 रुपये का एक मैसेज आया वो फेल्ड गया। उसके बाद में 10,000 का एक मैसेज आया वो फेल्ड गया। फिर 1,999 उसका भी एक मैसेज आया वो फेल्ड गया। मतलब ये इतना उड़ा देते, अगर पैसा रहता तो उड़ जाता अकाउंट में, अगर 50,000 या 1,00,000 रुपये भी था तो वो पूरा साफ हो जाता। मतलब ये है कि एकदम। फिर आपको कैसे पता चला कि हमारा पैसा मतलब धोखा हो गया ऐसा कुछ? हाँ, फिर मैंने उसको कॉल किया वापस, कॉल किया तो वो बोल रहा है कि आपके 10-15 मिनट बाद में वापस आ जाएगा, ये अपडेट हो रहा है, तो अपडेट होने के बाद में आपके अकाउंट में वापस पैसा जाएगा। तो आया नहीं, फिर मैंने पुलिस चौकी गया, कंप्लेन लिखाया, तो वहाँ पर भी कंप्लेन लिखा, उन्होंने बोला कि ये तो सब होता रहता है, यहाँ पर वेबसाइट चल रहा है। तो ठीक है, फिर उसका मैंने नंबर दिया था, कंप्लेन लिखा है, नंबर अभी ट्रैक किया है वहाँ पर, तो फ़ोन करते हैं तो ये क्या है कि नंबर, तो क्या नंबर है, नंबर बताता हूँ आपको, 8428 8420 8711 7। तो क्या नाम क्या बता रहा है उसका? उत्तम श्रीवास्तव। हाँ, तो फिर उसके बाद आपका पैसा नहीं आया, वापस नहीं आया? पैसा तो बिल्कुल नहीं आया, ना मैसेज आया। तो लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं? लोगों को ये सलाह देते हैं कि कोई अगर आपके पास लिंक आता है या फिर फोन आता है तो आप कभी उसको उठाओ मत, उठाओ तो बात करो, लेकिन लिंक में कुछ अपडेट मत करो। सरकार इतना जोर दे रही है कि ऑनलाइन सब काम होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए सब कुछ, तो क्या सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार का तो उद्देश्य अच्छा है कि भाई डिजिटल हो, लेकिन जो असामाजिक तत्व है जो पैसा खाने के चक्कर में रहते हैं वो गलत है, वो गरीब उसके ऊपर लगाम होना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? पूरा लगाम होना चाहिए। तो 7,000 रुपये कितने दिन का कमाई था आपका? 7,000 एक महीने की बचत हो जाती है, रूम रेंट मान के चलो या दुकान रेंट मानो। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान का हूँ। राजस्थान के रहने वाले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज पटेल, मोबाइल का दुकान है। और एक चिंता की विषय है कि जो लोग यहाँ पर उन्हें बार बार ड्राइवर के द्वारा फोन किया जाता है और अलग अलग नंबर से फोन किया जाता है। बहुत बड़ी एक बात है कि देखा गया है कि अगर आप समझ जाते हैं कि ये क्राइमर है या ये धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति है तो आपको वो गंदी गंदी गालियां भी देता है, ऐसा भी देखा गया है, लेकिन उसके नंबर को ट्रेस नहीं कर पाना, उसके नंबर को नहीं बता पाना, ये प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं मतलब चिंता का विषय बना हुआ है और एक विफलता कह सकते हैं प्रशासन के लिए, क्योंकि प्रशासन को ऐसे नंबरों को
जल्द ब्लैक लिस्ट करके जल्द उसे ढूंढना चाहिए और सलाखों के पीछे ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भेजना चाहिए। जो पंकज नाम के व्यक्ति थे उनकी बात बताए हैं कि फोन जो फोन पे आ रहा है आजकल, उस फोन पे उसे लिंक भेजा जाता है और कहा जाता है कि लिंक पे क्लिक कीजिए और आपका मोबाइल अपडेट हो जाएगा। और मोबाइल जब भी वो लिंक पे क्लिक करते हैं और फिर लिंक पे क्लिक करने के बाद वो अपने काम में लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें दो मैसेज आता है, एक 2000 रुपये का और एक 5000 रुपये का। और आप समझ सकते हैं कि 7000 रुपये कट जाना लगभग, अगर बात करें तो एक महीने की कमाई होती है। आज के समय में धंधा अगर इतना नहीं चलता है तो कहा जाता है कि मतलब 7000 रुपये मतलब कभी 50 रुपये, कभी 25 रुपये, कभी 100 रुपये ऐसे जमा होते होते इनके अकाउंट में 7000 रुपये जमा हुआ था, वो भी क्राइमर ने खा लिया। ऐसा आप देख समझ सकते हैं। अभी मैं पंकज जो व्यक्ति हैं जिनसे धोखा हुआ है उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सही माजरा है क्या। देखते रहिए पूरा कवरेज, शेयर और सब्सक्राइब।